नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NYKS यानी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कुल 13,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। अभी आप लोग देख पाएंगे कि मैं NYKS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं, जहां से आगे हम लोग आवेदन करके देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी रूल बुक डाउनलोड करेंगे और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इन वैकेंसियों के बारे में सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी केवल 8वीं, 10वीं, 12वीं या फिर कुछ भी ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है और आप लोग साल 2021 में एक अच्छे से डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और आप सभी लोग आवेदन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पा सकें। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे व्हाट्स न्यू के अंदर यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में है तो भी आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख पाएंगे नोटिफिकेशन NYKS वैलेंटी, यहां पे नीचे आएंगे तो NYVS यहां पे सिलेक्शन और साथ में गाइडलाइन 2021 और 22 के लिए आ चुका है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां से आपका गाइडलाइन स्टार्ट होगा सिलेक्शन NYVS के अंदर, जो कि 21 और 22 के लिए होने वाला है। सबसे पहले तो यहां पे आपका यंग कैंडिडेट चाहिए होंगे इनको, साथ में यहां पे नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर वाइज देखते जाएंगे और आप सभी को जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको बताते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में होनी चाहिए और इसी के साथ आपको जो है तो एज में छूट भी मिलेगी। छूट कैसे मिलेगी, कितना मिलेगी, आगे हम बात करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी वॉलंटियर का स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मंथली स्टार्टिंग में कितना दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे बताई गई कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो मिनिमम 10th पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल होंगे और 1 अप्रैल 2021 से आपकी एज काउंट करी जाएगी जो कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 29 यानी कि 29 साल तक की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बैंक एग्जाम्स क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो, और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक एंड बिन एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर अल्टरनेट संडे होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स ने एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। बैंक कॉम्बैट हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर, पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पर। अब बात करते हैं प्राइजेस की, तो जिसका रैंक फर्स्ट होगा उसको मिलेंगे 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सेकंड रैंक को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन और थर्ड रैंक को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। और रैंक 4 से लेकर 200 में जो स्टूडेंट हैं उन सभी को मिलेगा 1000 का अमेजॉन बाउचर। कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी सुबह 10 बजे से, तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इनरोल करें और अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड टॉक विद शुभम जो कि इस चैनल के नेम पर है, इनरोल करें टेस्ट में फ्री फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो स्कोर से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से जाके रजिस्टर करें, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों, अब हम लोग नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया आप सभी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपका यहाँ पे मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग डिफरेंट ऐप्स को चलाने की, और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने पर बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन कमिट क्या रहेगा, और इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वॉलंटियर के एक्सटेंशन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसके बाद आपका टाइम शेड्यूल है आप लोग देख पाएंगे, जो आपका नोटिफिकेशन वो 5 फरवरी को आया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2021 है, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिजल्ट और भी कई सारी चीज़ों की डेट यहाँ पे दी गई है। मेन पॉइंट्स के बारे में बताया गया, आपको बता दें कि 13,000 से ऊपर आपकी यहाँ पे इस बार वॉलंटियर की अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ पे आपके आई हैं।
अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे जहां से आपको डिटेल में जानकारी, शॉर्ट में जानकारी और इसी के साथ आप लोगों को अप्लाई करने का लिंक भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, और उससे पहले आप सभी को फॉरम भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 पेजों का पीडीएफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल यूथ कॉर्प्स एप्लीकेशन फॉरम। यहाँ पे आधार नंबर ऑफ एप्लीकेंट, सबसे ऊपर आपको आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद फुल नेम, यहाँ पे फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका ज्ञान प्रकाश शर्मा है, तो ज्ञान यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका प्रकाश मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुमार लगाते हैं तो मिडिल नेम कुमार हो जाएगा, तो ज्ञान प्रकाश कुमार शर्मा यहाँ पे लिख देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल में सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट यहाँ पे है, मंथ यहाँ पे है और ईयर यहाँ पे होगा। प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें तो विलेज, टाउन और सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, लिखना होगा, टाइप करना होगा। इसके बाद आपकी एज, कितने साल और कितने महीने के आप लोग हो चुके हैं। फादर्स नेम और यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना होगा। इसके बाद कैटेगरी आपकी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग के बारे में बताया गया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और कैसे क्या सारी डिटेल फिल करनी होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख पाएंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 13,206 पोस्ट, ऑल इंडिया की यहाँ पे जॉब होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 13,206 पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना होगा। देन इसके बाद आपको शॉर्ट इन्फो मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग इस वैकेंसी की डिटेल देख पाएंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करते हैं तो नेहरू युवा केंद्र संगठन आपका ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करें तो नेशनल यूथ वॉलेंटियर की यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी। इसके बाद टोटल नंबर वैकेंसी 13,206 पदों पर यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग sp.gyan.com पे भी जा सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें, ऑल ओवर इंडिया से आपको अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट, और मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन के अंदर, बाकी हम आपको डिटेल में बता देंगे। और आपका जो सिलेक्शन है बिना किसी परीक्षा के केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात होने वाली है कि नो एग्जाम के यहाँ पे चलते आपका केवल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे बात करते हैं उम्र के बारे में, तो 18 से लेकर 29 साल तक आपकी एज रहेगी। बाकी आपको ST/ST में 5 और OBC में 3 साल की आयु में छूट भी मिलेगी। बाकी इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि अगर आप लोग 10वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी लिमिट नहीं रखी गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 12th है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपये यहाँ पे बोला गया है, और रिक्वायर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट और सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद बात करते हैं डेट के बारे में, तो यहाँ पे डेट आपका स्टार्टिंग है 5 फरवरी से, लास्ट आप है 20 फरवरी, और इंटरव्यू की यहाँ पे डेट आपका जो है तो 25 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक का, और रिजल्ट आपका 15 मार्च तक आ जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का, वेबसाइट का और नोटिफिकेशन साथ में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए। और इसके बाद आपके सामने प्रेस का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद जब आप लोग सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होगा, फादर्स नेम डालना होगा, मदर्स नेम डालना होगा, और यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना होगा, जेंडर मेल या फीमेल। देन इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, वोटर आईडी, आधार कार्ड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर यहाँ पे 10th का, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है तो अदर क्वालिफिकेशन बतानी है, अभी आपका क्या वर्क है, स्टूडेंट या अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको और भी काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएंगी।
तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं एक बार डिटेल में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करके दिखाऊं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके, उसके लिए आपको इस वीडियो को 500 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करना होगा। जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे मैं आप सभी के लिए फॉर्म भरने की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।